हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और इसको तैयार किया जाता है बहुत ही कम स्पाइसेस के यूज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिलीशियस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने लिया है आधा कप तेज़ गर्म दूध और इसमें मैंने ऐड किया है 3 से 4 पिंच ज़ाफ़रान के। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख लेंगे साइड में और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा भगोना और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल। और ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, 5 सफ़ेद इलायची, 10 लौंग और 2 से 3 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी काली इलायची और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके। और प्याज को हमें यहाँ गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, प्याज के कलर को हमें यहाँ पे सिर्फ पिंक रखना है। प्याज ने यहाँ अपना कलर चेंज कर दिया है, प्यारा सा पिंक कलर आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। तो मैंने यहाँ 750 ग्राम चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें अब हम उसको फ्राई कर लेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। इसे अदरक और लहसुन के कच्चापन भी निकल जाता है और चिकन की भी स्मेल दूर हो जाती है। चिकन को यहाँ भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ अच्छे से भुन गया है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1/2 कप फेंटी हुई दही। दही को फेंट कर ही ऐड करें, इससे दही फटती नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच जायफल का पाउडर और 2 छोटे चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 पार्ट ज़ाफ़रानी मिल्क जो हमने पहले ही रेडी करके रखा था, और बाकी का यूज़ हम बाद में करेंगे। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे जिससे कि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब ऐड करेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ 3 छोटे चम्मच ले रही हूँ। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी। देसी घी की जगह आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और ज़ाफ़रानी बिरयानी में देसी घी या मक्खन को आप ज़रूर से यूज़ करें, इससे जो बिरयानी का टेस्ट है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो मैंने यहाँ 3 कप चावल लिए हैं, लगभग 750 ग्राम चावल है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा स्टर कर देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, 1 कप और इसको अब हम कवर कर देंगे और वेट करेंगे बॉईल आने का। तो यहाँ पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है और इसमें अब हम ऐड कर देंगे चावल। तो मैंने चावल को 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था और मैं यहाँ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ। आप चावल में पानी अपने चावल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही ऐड करें और उसी के अकॉर्डिंग चावल को आप सोक करें। और चावल को हम यहाँ थोड़ा स्टर कर देंगे, हमें चावल को यहाँ ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो चावल भीगे हुए हैं और वो टूट जाएंगे। और अब हम इसे हाफ़ कवर कर देंगे और पानी को थोड़ा ड्राई होने का वेट करेंगे। और
और जब पानी ड्राई हो जाएगा तभी हम इसको दम में लगाएंगे। तो यहाँ काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, मैं एक बार इसको और स्टर कर देती हूँ और थोड़ा पानी और ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसको दम में लगाएंगे। पानी ड्राई हो गया है और अब हम चावल को दम में लगा देंगे। तो उससे पहले मैं फ्लेम को हाई कर उसके ऊपर एक पुराना तवा रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं रख दूँगी भगोना। तो आप कोई पुराना तवा, पुरानी प्लेट या परफोरेटेड प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम स्लो आंच पर दम करूँगी। 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ाफ़रानी मिल्क जो हमने रेडी करके रखा था, और इस तरह से उसको मैं पोर कर दूंगी चावल के ऊपर। और यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर को केवड़ा वाटर में ऐड किया है और इस तरह से हम चावल के ऊपर उसे पोर कर देंगे। और अब चावल को हम सील पैक कर देंगे। तो उसके लिए मैं एल्युमिनियम फॉइल से इसको बिल्कुल कवर कर दूंगी। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि भगोना बहुत गर्म है और हाथ जलने का भी डर रहता है। तो किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इसको अच्छे से सील कर देंगे जिससे कि चावल अच्छे से दम हो जाएंगे और सारा फ्लेवर चावल का अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम उसको बिल्कुल कवर कर देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए दम करेंगे। और अब इसके लिड के ऊपर मैं रख दूँगी ये पुराना सिल का पत्थर। इसकी वजह से स्टीम अच्छी बनेगी और चावल भी अच्छे से दम में होंगे। और 15 मिनट के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और 5 मिनट बाद मैं सर्व करूँगी। 15 मिनट बाद मैंने बिरयानी की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट के रेस्ट देने के बाद अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो बहुत केयरफुली इसको ओपन करिएगा, नहीं तो सारी स्टीम हाथ पे आने का डर रहता है। और ये देखिए कितनी लाजवाब बिरयानी रेडी हुई है। यकीन जानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।